नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं फैमिली मालवेसी। आज हम देख रहे हैं एक एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जिसका नाम है फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली जो है, इस फैमिली में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम बात कर रहे हैं फैमिली मालवेसी की। तो मालवेसी को हम कहें तो हम इसको गुड़हल कुल भी या हिबिस्कस फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिबिस्कस फैमिली। हिबिस्कस फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो मेनली एक प्लांट आता है जिसका नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी इसको हम बोलते हैं मेनली देखा जाए तो गुड़हल। हिंदी भाषा में कहा जाता है गुड़हल। गुड़हल जो है वो फैमिली मालवेसी का प्लांट है। कई बार पूछा जाता है कि हिबिस्कस कौन सी फैमिली में आता है, ये क्वेश्चन आता है कि हिबिस्कस कौन सी फैमिली में आता है, तो हिबिस्कस आता है फैमिली मालवेसी में, इसीलिए हम इसे गुड़हल फैमिली भी कहते हैं। अब बात आती है कि जो फैमिली मालवेसी है उसका हम इसका इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें हम इसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम इसकी देखेंगे, यदि हम कोई भी फैमिली लिखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। सबसे कोई भी फैमिली लिखने से पहले हम लिखते हैं इसकी सिस्टमेटिक, या जो सिस्टमेटिक पोजीशन होती है वो क्या है। देखें अपन, सिस्टमेटिक पोजीशन यानी इसकी वर्गीकृत स्थिति। सिस्टमेटिक पोजीशन की यदि हम बात करें, देखें हम सिस्टमेटिक पोजीशन या इसकी वर्गीकृत स्थिति, वर्गीकृत स्थिति, सिस्टमेटिक पोजीशन और वर्गीकृत स्थिति, हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति जो है वो मेनली देखते हैं बेंथम हुकर के अनुसार। इसकी वर्गीकृत स्थिति या सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखते हैं बेंथम हुकर के अनुसार। किसके अनुसार? दो वैज्ञानिक हैं, एक है बेंथम एंड हुकर, जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था फैमिली का। इन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन में है, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन जाना जाता है, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन चलता है फैमिली के लिए, या अपन कहें कि एंजियोस्पर्मिक या फेनेरोगेम्स प्लांट के लिए। और इनके जो क्लासिफिकेशन है उसको, उसमें इन्होंने कुल 202 फैमिलियों की स्टडी की थी, उसमें से एक फैमिली है मालवेसी। अब क्या है अपन देखते हैं बेंथम हुकर के अनुसार इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन क्या है। देखें तो बेंथम हुकर के अनुसार देखा जाए तो सिस्टमेटिक पोजीशन में आएगा सबसे पहले है डिवीजन। क्या है? डिवीजन। डिवीजन इसमें आता है एंजियोस्पर्म। डिवीजन क्या रखा है इन्होंने? एंजियोस्पर्म। उसके बाद है ग्रुप, ग्रुप, और ग्रुप में आता है मेनली ग्रुप है इनका डाइकोटिलिडंस, या डाइकॉट हम जिसको कह सकते हैं, डाइकोटिलिडंस। आपको पता है मालवेसी फैमिली एक डाइकोटिलिडंस फैमिली है, डाइकॉट की फैमिली है, मोनोकॉट की फैमिली अलग होती है। तो अपन फैमिली की स्टडी इस तरह से करेंगे, पहले डाइकॉट की करेंगे फिर मोनोकॉट की करेंगे। जब भी क्लासिफिकेशन जमा होता है, जो किताबों के अंदर जो फैमिली की जमावट करते हैं, फैमिली को हम रखते हैं, फैमिली की जो पोजीशन होती है, पहले डाइकॉट की फैमिली रखी जाती है फिर मोनोकॉट की फैमिली रखी जाती है। हम सभी जानते हैं कि डाइकॉट मोनोकॉट से प्रिमिटिव है, तो सबसे पहले डाइकॉट, हम जानते हैं कि मोनोकॉट का डेवलपमेंट डाइकॉट से हुआ है, ठीक है। तो डिवीजन एंजियोस्पर्म, ग्रुप डाइकोटिलिडंस, उसके बाद है क्लास। जो क्लास है वो है पॉलीपिटेली, क्लास है पॉलीपिटेली। पहले भी हम बता चुके हैं पॉलीपिटेली का मतलब होता है, पॉलीपिटेली जो है, पॉलीपिटेली फैमिली जो है वो पॉलीपिटेली फैमिली जो क्लास है उसमें पेटल्स जो होते हैं वो ऐसे फ्री होते हैं, ऐसे ऐसे जो है, मान लो अपन ने चार पेटल्स ले लिए, ये चार पेटल्स, जो चार पेटल्स जो हैं ये फ्री हैं, ये फ्री है, ठीक है। और यदि ये जुड़ जाते, इस तरह से जुड़ जाएंगे तो इसको बोलेंगे गैमोपिटेली। तो आप याद रखना, बेंथम हुकर ने पहले पॉलीपिटेली को रखा है फिर गैमोपिटेली को रखा है। बेंथम हुकर ने पॉलीपिटेली को प्रिमिटिव माना है और गैमोपिटेली को पॉलीपिटेली से ज्यादा एडवांस माना है। तो ये जो है ये क्या है, पॉलीपिटेली
पेटल्स हैं, ये पॉलीपेटलस है, पेटल्स अलग अलग होंगे। यदि हम किसी भी फैमिली में कहते हैं कि वो फैमिली क्लास पॉलीपेटली की है, तो आपको पेटल्स को कभी भी जोड़ना नहीं है। अगर मैं इसको जोड़ दूं, इस तरह से कर दूं, देखिए अगर मैंने इस तरह से कर दिया तो ये हो गया गैमोपेटली, तो फैमिली आएगी गैमोपेटली। तो आप याद रखना इसमें पेटल्स कभी भी जुड़े नहीं होते, किसमें? पॉलीपेटली में। पॉलीपेटली में पेटल्स जो है वो अलग अलग होते हैं, तो क्लास पॉलीपेटली हो गई। सीरीज जो है, सीरीज है थैलेमी फ्लोरी, थैलेमी फ्लोरी, ठीक है। बेंथम हुकर ने पॉलीपेटली की सीरीज थैलेमी फ्लोरी में रखी है, ठीक है। ऑर्डर है मालवेल्स और फैमिली है मालवेसी। क्या है? माल बेसी, ठीक है। तो डिवीजन एंजियोस्पर्म, ग्रुप डाइकोटिलीडंस, ए डाइकोट की फैमिली है, क्लास पॉलीपेटली, ए पॉलीपेटली की फैमिली है। पॉलीपेटली का मतलब जिनमें पेटल अलग अलग होंगे। ए थैलेमी फ्लोरी की फैमिली है, इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, ठीक है। ऑर्डर मालवेस और फैमिली मालवेसी। अब हम आगे की बात करते हैं इसके कुछ करेक्टर्स की। अब हम देखते हैं इसका, तो ये हो गया सिस्टमेटिक पोजीशन। अब आते हैं हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पाई जाती है? किसी भी फैमिली की स्टडी हम इन हेडिंग के तहत करते हैं। पहले हमने लिखा सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति, अब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मालवेसी फैमिली जो है, देखा जाए इसको तो लगभग एक कॉस्मोपॉलिटियंस होती है। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब लगभग सभी जगह पाई जाती है, कॉस्मोपॉलिटन होती है। कैसी होती है? कॉस्मोपॉलिटन होती है, लगभग सभी जगह पाई जाती है। इसकी लगभग 1500 जातियां क्या थे, इसकी लगभग 1500 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। कितनी? लगभग 1500 स्पीसीज, और लगभग 80 जेनरा है, 80 जेनरा और 1500 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। ये लगभग लगभग सभी जगह पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब है मेनली इसका, इसके जो मुख्य पौधे हैं, इसके जो मेन अगर प्लांट है, तो मेन प्लांट तो इसका जो होता है वो होता है हिबिस्कस। हिबिस्कस, हिबिस्कस का मतलब है अपना हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल, ठीक है। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। और यह है गुड़हल। दूसरा इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पौधा है, वो है गॉसिपियम हर्बेसियम। गॉसिपियम हर्बेसियम मतलब देखा जाए तो कपास। गॉसिपियम हर्बेसियम इसका मेन पौधा है कपास। फिर भिंडी भी इसमें आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिबिस्कस एस्कुलेंटस, भिंडी भी इसी में है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके पौधे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके वेजिटेटिव करेक्टर पे। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है इसका वेजिटेटिव करेक्टर्स। वेजिटेटिव करेक्टर्स यानी कायिक लक्षण। हम सबसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर देखते हैं, उसके बाद हम इसके फ्लोरल करेक्टर देखते हैं। वेजिटेटिव करेक्टर्स, वेजिटेटिव करेक्टर्स में क्या क्या पूछा जाता है, वेजिटेटिव करेक्टर्स में इसके क्या क्या करेक्टर्स हैं? तो नंबर एक सबसे पहला आएगा इसका नेचर। इसका हैबिट क्या है, हैबिट कैसी है इसका, नेचर क्या है? तो यदि देखा जाए तो ये जो होता है, ये फैमिली जो है, ये जनरली हर्ब होती है, हर्ब्स, कुछ श्रब्स भी होते हैं, और जनरली कुछ जो है वो ट्रीज होते हैं। ट्री बहुत कम होते हैं, तो हर्ब और श्रब्स होती है, तो इसकी ये हैबिट है। रूट क्या है इसकी? रूट होती है टैप रूट। चूंकि डाइकॉट है तो क्या पाई जाएगी? टैप रूट होगी। स्टेम अगर देखें, स्टेम क्या है? स्टेम इसका जो होता है, तना जो इसका होता है वो जनरली सीधा होता है, इरेक्ट। क्या होता है? इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ब्रांचड होता है, कैसा होता है? ब्रांचड होता है। और तीसरा जो है अगर देखा जाए तो मन जनरली फाइबरस भी होता है, ठीक है, छोड़े, तो इरेक्ट एंड ब्रांचड होता है। लीफ देखा जाए तो लीफ तो जनरली डाइकॉट में जो होती है वही होती है, डाइकॉट की जो लीफ है वही इसकी लीफ होती है।
जैसे सिंपल सिंपल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये पीटियोलेट होती है, पीटियोलेट और रेटिकुलेट बेनेसर। क्या होता है? रेटिकुलेट बेनेसर, ठीक है, ये इसकी पाई जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण इसका जो है ये होता होगा वेजिटेटिव करेक्टर। सबसे महत्वपूर्ण अगर करेक्टर है तो वो है इसका फ्लोरल करेक्टर। क्या है? फ्लोरल करेक्टर। क्या होता है फ्लोरल करेक्टर में देखते हैं अपन। फ्लोरल करेक्टर सबसे पहले फ्लोरल करेक्टर में आएगा इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस में क्या क्या है देखें। इनफ्लोरोसेंस जनरली इसमें होता है सॉलिटरी एक्सिलरी, सॉलिटरी एक्सिलरी एक्सिलरी, या इसी में होता है सॉलिटरी टर्मिनल। क्या होता है? टर्मिनल। अब यदि आप लोग जानते हैं, सभी जानते हो, देखो मान लो मैंने कहा एक ये ब्रांच है या एक कोई प्लांट है, यदि यहां पर एक फ्लावर लग जाता है तो दिस इज द सॉलिटरी एक्सिलरी। और मान लो यहां से कोई ब्रांच निकल रही है और यहां पर कोई फ्लावर लगता है, ये सॉलिटरी टर्मिनल हो गया। और यहां पर लगता है तो इसको बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी, क्योंकि एक्साइल में लगता है। कहां पर लगता है? ये शाखा निकली है, ठीक है, ये क्या निकली है? शाखा निकली है। और यहां पर कोई फ्लावर लगा तो इसको बोलेंगे सॉलिटरी, यदि टर्मिनल पे लगा तो सॉलिटरी टर्मिनल, और अगर यहां पर लगा तो सॉलिटरी एक्सिलरी। एक्सिलरी मतलब कक्षा, कक्षस्थ बोलते हैं। तो इसमें जो इनफ्लोरोसेंस होता है वो जनरली सॉलिटरी एक्सिलरी या सॉलिटरी टर्मिनल होता है। किसमें? ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा इसका जो करेक्टर है ये तो हो गया इनफ्लोरोसेंस। दूसरा करेक्टर जो है वो है फ्लावर। अब इसके फ्लावर कैसे होते हैं? फ्लावर की यदि हम बात करें तो फ्लावर होते हैं पेंटामीरस। क्या होते हैं? पेंटामीरस, ठीक है, फ्लावर पेंटामीरस। फिर होते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्चुअल, हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्चुअल। तीसरा है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर होगी, पहले हम बता चुके हैं अपने दूसरे वीडियोज में हाइपोगाइनस, ठीक है। ये जनरली इसके पेंटामिरस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं। कंप्लीट होता है, कंप्लीट यानी सभी चीजें इसमें पाई जाती हैं। जो फ्लावर की बात होती है, जो फ्लावर में चारों चीजें होती हैं, कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, वो चारों चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें फ्लावर के बाद सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज पाई जाती है तो वो है इपिकैलिक्स। हाँ, अब आपको यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, इपिकैलिक्स का पाया जाना सिर्फ करेक्टर है किसका? फैमिली मालवेसी का। और में इपिकैलिक्स नहीं पाए जाते हैं, फैमिली मालवेसी में इपिकैलिक्स होते हैं। तो इपिकैलिक्स है, ठीक है। इपिकैलिक्स जनरली जो है वो 5 से 8 होते हैं, 5 से 8 तक होते हैं इपिकैलिक्स, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? 5 से 8 होते हैं। और जनरली ये क्या है, एक ब्रैक्टियोल का चक्र होता है। ये ब्रैक्टियोल जो होते हैं, जैसे ब्रैक्ट होते हैं फ्लावर के बाहर, ब्रैक्ट के बाहर एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्ट, ब्रैक्ट के ही छोटा फॉर्म है ब्रैक्टियोल्स। तो इसमें ब्रैक्टियोल होर्ल है। इपिकैलिक्स एक्चुअल में ब्रैक्टियोल का ही होर्ल है, ब्रैक्टियोल होर्ल को ही हम इपिकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम कैलिक्स पर। किस पर आते हैं? इपिकैलिक्स हो गया। इपिकैलिक्स के बाद क्या आता है? कैलिक्स। इपिकैलिक्स के बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स कितने होते हैं? कैलिक्स होते हैं 5। कितने होते हैं? कैलिक्स 5। तो हम इनको लिखेंगे, कैलिक्स की यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स 5, सेपल्स 5। अब सेपल्स जो 5 होते हैं वो कैसे होते हैं? गैमोसेपल्स। कैसे होते हैं? गैमोसेपल्स, गैमोसेपल्स होते हैं, ठीक है, यानी जुड़े हुए होते हैं। सभी सेपल्स कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और इनमें एक एस्टिवेशन होता है जिसका नाम है वॉल्वेट एस्टिवेशन। कौन सा एस्टिवेशन? वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, यानी हिंदी में कहते हैं इनके जो कोर होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो सेपल्स कैसे हैं? 5 हैं, गैमोसेपल्स हैं, एस्टिवेशन कौन सा है? वॉल्वेट एस्टिवेशन,
कौन सा एस्टिमेशन है? बालवेट एस्टिमेशन है। अब हम आते हैं पेटल्स पे, किस पे आते हैं? पेटल्स पे। देखें अब हम बात करते हैं, कैलिक्स हो गए, कैलिक्स के बाद आता है करोला। करोला, करोला में पेटल्स फाइव, पेटल्स क्या होते हैं? फाइव होते हैं, ठीक है, पेटल्स फाइव। कैसी कंडीशन होगी? पॉलीपेटलस गैमोपेटलस, पहले बता चुका फैमिली का की है पॉलीपेटली की, तो कैसे आएंगे? पॉलीपेटलस, क्योंकि पहली में कह चुका हूं कि फैमिली किसकी है, आपको वहां से ध्यान रखना है। जब आपने वो लिखा वहां पर इसका क्लासिफिकेशन, तो आपने लिखा पॉलीपेटली, फैमिली पॉलीपेटली की है, तो पेटल्स कैसे हैं? पॉलीपेटलस। लेकिन इसके सेपल्स कैसे हैं? गैमोसेपल्स। फैमिली को पेटल के आधार पर रखा गया है, पेटल्स अगर जॉइंट है तो गैमोपेटलस, और पेटल्स अलग अलग है तो पॉलीपेटलस। तो ये कैसे है? पॉलीपेटलस है, ठीक है। इसमें जो यदि एस्टिवेशन देखा जाए तो जनरली होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, किसी किसी में दूसरा पाया जाता है, लेकिन जनरली जो है ना वो होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखा जाए कैलिक्स करोला के बाद आएगा एंड्रोसियम, 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 एंड्रोसियम। इसके थोड़े से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, मोनोडेल्फस होते हैं, मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस, एंड्रोसियम है मोनोडेल्फस। किन्हें कहते हैं मोनोडेल्फस एंड्रोसियम? मोनोडेल्फस एंड्रोसियम उन्हें कहा जाता है, इसमें जो एंड्रोसियम होते हैं और मोनोडेल्फस होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं एक सलांगी। इसमें एक और हम आपको बताएं, इसके जो एंथर होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं, एंथर जो होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है एंथर मोनोथिकस। हम आपको दोनों चीजें बता देते हैं, एंथर मोनोथिकस, तो एंथर होते हैं मोनोथिकस, और इसके जो स्टामन होते हैं या अपन कहें पुंकेसर होते हैं, मोनोडेल्फस होते हैं, स्टामन मोनोडेल्फस होते हैं। एंड्रोसियम जो है वो स्टामन अपन लिखेंगे इसमें मोनोडेल्फस स्टामन। होता क्या है देखो, आपको पता है कि जनरली, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि मोनोडेल्फस कैसे कहते हैं। स्टामन दो चीजों से मिलकर बनते हैं, मान लो मैंने कहा ये स्टामन है, हम एक सामान्य स्टामन की बात बता रहे हैं, और इसका ये क्या है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। फिर मैंने कहा ये आप देखिए, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, फिर आप देखिए, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। तो इसके जो फिलामेंट है वो सभी जुड़ जाते हैं, ये सभी फिलामेंट जुड़ जाएंगे इस तरह से, ये जुड़ गया, 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 तो ये गोल ट्यूब बना लेंगे, ये इस तरह से जुड़ेंगे ये सभी। मान लो ये इसका, इसका ये, मान लो अगर अपन का टी एस लें, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो ये सभी एंथर आपस में, फिलामेंट आपस में जुड़ जाएंगे, और फिलामेंट आपस में जुड़ करके ये जो है ना, ये जैसे यहां पर चल गया, ये यहां पर चला गया, ये यहां पर आ गया, तो ये आपस में ऐसे क्या हो जाएंगे, इनके जो एंथर है वो बाहर निकल आएंगे, और जो फिलामेंट है, फिलामेंट है वो आपस में मिलकर के ट्यूब बना लेंगे। तो इस ट्यूब को कहेंगे स्टेमिनल ट्यूब। क्या बना लेंगे? तो इसके एंथर जो होते हैं वो मोनोडेल्फस होते हैं, स्टामन जो होते हैं मोनोडेल्फस होते हैं, और इसमें स्टेमिनल ट्यूब बन जाती है। क्या बन जाती है? स्टेमिनल ट्यूब बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्टेमिनल ट्यूब बन जाएगी यहां पर इस तरह से, और ये जो है, ये सब स्टेमिनल ट्यूब किसने बनाई है? ये बनाई है इसके फिलामेंट ने, फिलामेंट आपस में जुड़ गए और जो एंथर थे वो अलग हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या? स्टेमिनल ट्यूब। तो इसमें जो एंथर हैं वो स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। अब देखो, अपन जनरली एंथर को ऐसे लेते हैं, फिलामेंट जो है वो क्या बना लेते हैं? स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं। अब आप देखिए, ये लिया आपने क्या? स्टामन, ठीक है। अगर स्टामन को देखोगे, ये एंथर है, ये उसका फिलामेंट है। यदि आप देखोगे, यदि आप देखोगे तो ये क्या है? एंथर है। ये क्या है? एंथर है। अब यदि इसी को अपन देखें तो इस तरह से चार में दिखाई देगा,
ये चार में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एंथर जो है इसको बोलते हैं डाइथिकस, डाइथिकस। और यदि ये दो होगा इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो इसको कहेंगे मोनोथिकस। ये दो है देखो, इसमें ये डाइथिकस एंथर है और चार स्पोरेंजिएट है, तो इसको बोलेंगे डाइथिकस। जैसे देखो आप, फिर से मैं बताता हूं, ये जो है आपने लिया इस तरह से बनाया, ठीक है। तो एक दो तीन चार, तो ये चार क्या है, ये स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर भरे हैं, पोलन ग्रेन। तो इस एंथर को कहेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट डाइथिकस। दो को मिलाकर एक थिकस कहते हैं, इस दो को मिलाकर एक थिकस और इस दो को मिलाकर एक थिकस। तो ये कितने हो गए, दो थिकस हो गए, एक थिकस दो थिकस, दो थिकस हो गए। और एक थिकस में कितने स्पोरेंजिया हैं, दो, तो कितने हो गए, बाई स्पोरेंजिएट। तो एंथर जो होता है, जो मोनोथिकस एंथर होता है, मोनो थिकस, उसको बोलते हैं बाई स्पोरेंजिएट, बाई स्पोरेंजिएट। और जो एंथर डाइथिकस होता है, डाई थिकस, तो उसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट। तो याद रखना, मालवेसी फैमिली में मोनोथिकस एंथर होते हैं, इस तरह का होता है मोनोथिकस है, तो वो कितने हैं, दो, तो बाइस्पोरेंजिएट। बाकी सभी में कितने होते हैं, डाइथिकस, एक्थिकस, दो थिकस, डाइथिकस, और कितने स्पोरेंजिएट हैं, चार स्पोरेंजिएट हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट, ठीक है। तो मालवेसी फैमिली की विशेषता है कि इसमें एंथर जो है वो कैसा होता है, मोनोथिकस होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवेसी फैमिली में एंथर कैसा होता है, तो मालवेसी फैमिली में एंथर जो है वो बाइस्पोरेंजिएट नहीं, बाइस्पोरेंजिएट मोनोथिकस, मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट होता है। ये पूछा जाता है कि मालवेसी फैमिली में स्टामन कैसे होते हैं, स्टामन मोनोडेल्फस होते हैं। मोनोडेल्फस का मतलब होता है एक सलांगी, उसमें एक जैसे वो बनते हैं, उसको बोलते हैं मोनोडेल्फस। तो मोनोडेल्फस एंथर होते हैं। मोनोडेल्फस किन्हें कहते हैं, जो जब ये फिलामेंट है ये आपस में जुड़ जाते हैं और फिलामेंट जुड़ करके ट्यूब बना लेते हैं, जिसको कहा जाता है स्टेमिनल ट्यूब, ठीक है। तो स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं फिलामेंट जुड़ करके, तो इसको बोलते हैं हम मोनोथिकस एंथर। तो ये मोनोथिकस, मोनोडेल्फस, ध्यान रखना, इसके एंथर मोनोडेल्फस होते हैं, मोनोथिकस होते हैं, ठीक है। मोनोथिकस किन्हें कहते हैं, समझ में आ गया। मोनोडेल्फस किन्हें कहते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ले लेंगे अगले चैप्टर में, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पार्ट सेकंड में इसका ले लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद।